ग्लू नहीं है मेरे पे बहुत बढ़िया उत्कर्ष भाई। तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सभी? आई होप कि यार आप सभी बढ़िया होगे। तो अभी तो तुम लोग किसी को भी ग्रुप में नहीं ले रहे होगे क्योंकि तुम्हें मास्टर जो लगाना है एंड तुम दिन रात एक करके भाई एकदम पुशिंग में लगे हो एंड कैसे भी करके मास्टर लगाना चाहते हो क्योंकि ग्रैंड मास्टर ना तुम्हारी सोच जहां तक पहुंचती है ना उससे 10 गुना आगे चल रहा है यार। तो ऐसे में हम लोग करें क्या एंड मास्टर जल्दी से कैसे लगाएं एंड जो बंदे ग्रैंड मास्टर लगाना चाहते हैं वो कैसे लगा सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप सोलो में अगर पुश कर रहे होगे तो आप सोलो में भी इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, डुओ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड स्क्वाड में तो इंप्लीमेंट कर ही सकते हो। एंड भाई आपको अगर किल नहीं मिलता है, आपका किल की वजह से ज़्यादा प्लस नहीं होता है, तो एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड में भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो आप लोग को लगता है कि अगर आप रैंक मैच खेलोगे तभी आपका रैंक प्लस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक चीज पहले से ही करनी होती है जिससे कि आपका बहुत ही ज्यादा प्लस लगने का चांस होता है एंड उसी में आप मिस्टेक कर देते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की। यार तुम लोग एकदम घटिया घटिया कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करके चले जाते हो रैंक मैच में एंड तुम सोचते हो कि भाई हम लोग एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में जीत जाओगे एंड तुम्हारा फाइट विन हो जाएगा एंड तुम बूए ले जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करते हो। तो चलो मैं बताता हूँ राइट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो अगर तुम सिर्फ रैंक पुश करने के लिए खेलते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को ही ले जाना है जिसका नाम है के कैरेक्टर, ठीक है? एक्टिव कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग के कैरेक्टर को लेके चले जाओ एंड और कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ना लगाओ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक्टिव कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, एक्टिव कैरेक्टर में सिर्फ आपको के कैरेक्टर का यूज करना है। उसके साथ में आपको लगाना होगा मैक्सिम कैरेक्टर एंड मैक्सिम के साथ में आपको लगाना होगा मीशा कैरेक्टर। मीशा कैरेक्टर का यूज बहुत ही खतरनाक है, आपको पिछली वीडियोस में दिख जाएगा जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि देख लेना, उसको आपको जाके देखना होगा तभी आप समझ पाओगे मीशा का फायदा क्या होता है, ठीक है? उसके साथ में आपको लगाना है हयातो कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अगर आप लेके रैंक में चले गए ना तो अगर आपके लास्ट जोन में आपके पास बिल्कुल भी लूट नहीं रहेगी एंड अगर कोई भी गाड़ी मिल गई ना लिटरली आप बूया तक निकाल सकते हो, बस आपको चलानी आनी चाहिए, ठीक है? सो इसलिए ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करो, मैं भी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ एंड लास्ट जोन में भाई क्या ही तो बचाता है ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। एंड इसी में आपको दूसरा चीज एक और काम करना होगा, उसमें आपको लोड आउट में बोन फायर को परमानेंट करना होगा रैंक पुशिंग करते टाइम। हाँ गाइस देखो, कभी कभार ऐसा सीन हो जाता है कि हमारे ऊपर बंदा रश कर देता है एंड हमारी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा लो होती है जिससे कि अगर हम मेडिकेट भी लगाएं ना तब भी हमारा हेल्थ फुल नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आपके पास बोन फायर रहेगा ना तब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बंदा बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया है एंड आप पे रश कर रहा है तब ऐसे में आप तुरंत बोन फायर लगा के HP पे लगा दो अपना के कैरेक्टर एंड एक मेडी मार लो, जस्ट आपका फुल हेल्थ हो जाएगा जल्दी से, मतलब 3-4 सेकंड के अंदर आपका फुल हेल्थ हो जाएगा एंड जैसे ही आपकी हेल्थ फुल हो जाती है वैसे ही आप बंदे को सरप्राइज अटैक देके तुरंत नॉक कर सकते हो एंड किल ले सकते हो। गाइस हम बात करने वाले हैं सेफ लैंडिंग के बारे में। तो बहुत सारे बंदे को यही नहीं पता होता कि सेफ लैंडिंग करते कैसे हैं या फिर हम लोग सेफ लैंडिंग कर कैसे सकते हैं ये भी नहीं पता होता है एंड मैं अपनी वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि भाई सेफ लैंडिंग ऐसे करते हैं, सेफ लैंडिंग वैसे करते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसा ट्रिक जिससे कि आप कभी भी किसी भी मोड में आप रैंक पुश कर रहे हो सोलो डुओ स्क्वाड सभी में ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं बाकी वीडियो में बताता हूँ कि भाई सोलो में इधर उतरो, डुओ में इधर उतरो और स्क्वाड में इधर उतरो, बट आज की इस वीडियो में जो ट्रिक बताने वाला हूँ ना वो आपका सोलो डुओ स्क्वाड तीनों में वर्क करता है। तो यार ऐसे में आपको करना क्या है, जैसे ही आपका प्लेन पाथ आ जाए, प्लेन आ जाए, ठीक है, आपको एकदम एंड में उतरना है, ठीक है? अब एंड में उतरने का फायदा यह है कि आपके साथ एक या दो स्क्वाड प्लेन में होती है एंड टाइम पे, ठीक है? तो अगर आप वेट करते हो एंड उन सामने वाले स्क्वाड को उतरने देते हो ना तो जैसे ही अगर वो लेफ्ट जाते हैं तो आप उसका अल्टरनेट पकड़ के राइट जा सकते हो जैसे कि आपके पास कोई भी बंदे नहीं आने के चांस होंगे एंड कभी कभार आपके पास एक स्क्वाड आ सकती है तो भाई वहां पे आपको होल्ड करके फाइट करना होगा। एंड चलो आगे बताता हूँ कि फाइट लेते कैसे हैं। सो गाइज यहाँ पे बात करते हैं इनिशियल फाइट की। तो यार इनिशियल फाइट ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भाई इनिशियल फाइट में आपको किल निकालने के भी चांस होते हैं एंड आप वहाँ से कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप कर सकते हो आगे की फाइट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से वो लोग इनिशियल फाइट में ही मर जाते हैं एंड उनका माइनस बहुत ही गंदा वाला लगता है, यहाँ तक कि मेरा खुद का 70-80 माइनस लग चुका है जब मेरा स्कोर 6000 प्लस था। तो यार ऐसे में आपको इनिशियल फाइट लेते कैसे हैं, मतलब मैंने तो सीख लिया है, अब मैं आपको बता देता हूँ। तो यार देखो जब भी आपके पास कोई भी स्क्वाड उतर रही हो, ठीक है,
तो आप ट्राई करो उससे थोड़ा दूर उतरने का। दूर मीन्स कि उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के उतरना, ठीक है। एंड जैसे ही आप डिस्टेंस बना के उतर जाओ, फटाफट से आसपास की गन लूटो एंड अपने बंदे को बोल दो कि भाई बंदा अलर्ट हो जाओ, सब लोग सामने स्क्वाड है, इनको मारना है। ऐसे आप जब बोल दोगे ना, आपके टीममेट्स में थोड़ा सा वो मोटिवेशन आ जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड फिर आप एक एक करके साथ में जा सकते हो एंड उनको निपटा सकते हो बहुत इजीली। मतलब मेरी एक छोटी सी बात समझ गए ना इसमें जो मैंने बोला है, समझो आप सामने वाले स्क्वाड को निपटा। एंड भाई अब बात करते हैं लूट के बारे में, तो बहुत सारे बंदे मिस्टेक करते हैं ये कि भाई उनको लूट मतलब समझ ही नहीं आता भाई क्या लूट होती है, परफेक्ट लूट किसे कहते हैं। तो यार इसमें छोटा सी चीज़ बोलूँगा, देखो आपकी फेवरेट गन होनी चाहिए, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों, ठीक है। आपको अगर आपके पास फेवरेट गन होगी तो भाई आप पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे को मारने का। एंड हाँ, अब देखो आपके पास फेवरेट गन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शक्तिमान सुपरमैन बन रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास एक अच्छा खासा वेस्ट और हेलमेट भी होना चाहिए। हेलमेट तो 3 लेवल से ज़्यादा तुम लोग अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन अपनी वेस्ट को, अपने जैकेट को, अपने छाती को तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हो, मतलब 5 लेवल तक ले जा सकते हो, समझे। तो तुम्हें मिनिमम लेवल 3 की वेस्ट को लेके घूमना है एंड मैक्सिमम तुम्हें लेवल 5 की वेस्ट को लेके घूमना है, उससे नीचे तो बात ही नहीं करना है, ठीक है, मतलब लेवल 3 के नीचे बात नहीं करना। तो ये अगर इतना लूट कन्फर्म कर लिया एंड अपनी ग्लूवल, तो भाई तुम लोग जानते ही हो ना ग्लूवल की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। तो अगर ग्लूवल मिला के जितना मैंने बताया उतना लूट कन्फर्म कर लिया तो भाई सामने वाले बंदे को एक एक अगर आता है तो आप आराम से निपटा दोगे, सीरियसली बता रहा हूँ। एंड ये टिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम लोग उत्कर्ष एफएफ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यानी कि हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज टिप्स एंड ट्रिक्स की मिलती रहेंगी। एंड सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, ये मैं क्या बात बताऊँ भाई, मतलब कर दो समझे, कर दो, तुमको ऐसी वीडियोस मिलेगी, सीएस रैंक से भी रिलेटेड वीडियो मिलेगी, जो कहोगे वो बना के दे दूंगा, बस सब्सक्राइब कर लो वरना बाद में भूल जाओगे, फिर भाई मैं नहीं जानता मिलूँ ना मिलूँ। एंड भाई देखो मेरे को पता है काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस यहाँ से छोड़ चुकी है, लेकिन अगर आप अभी तक यहाँ देख रहे हो तो यार आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना वो काफ़ी प्लेयर्स नहीं जानते, ठीक है, मतलब सच में नहीं जानते, सीरियसली बता रहा हूँ। देखो आपको अगर आप लोग सोलो खेल रहे हो, डुओ खेल रहे हो या स्क्वाड खेल रहे हो, आपको जोन टू जोन खेलने का ट्राई करना है। सबसे बेस्ट ट्रिक होती है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक ऑफ रैंक पुशिंग, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं इसको टूर्नामेंट में भी अप्लाई करके देखा हूँ, भाई बूया होता है यार, बंदे साथ साथ आठ आठ किल करके बूये निकालते हैं अगर जोन टू जोन खेलते हैं, वरना भाई जोन पकड़ के खेलोगे तुम सर्वाइव करते रह जाओगे एंड तुम्हें बंदा आके मार जाएगा, बूया भी चला जाएगा। तो जोन टू जोन कैसे खेलना है, अब जैसे देखो फर्स्ट जोन का सर्कल बन चुका है, श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है, तो फर्स्ट जोन को श्रिंक हो जाने दो एंड देन आप जोन को कवर करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि तुम फोर्थ जोन या फिर थर्ड जोन में भी जोन श्रिंक हो चुका है, नेक्स्ट जोन बन चुका है, तब ये चीज़ सेकेंड जोन तक ही करो, जब तक तुम्हारा थर्ड जोन नहीं बनता तभी तक तुम जोन के बाहर सर्वाइव कर सकते हो। उसके बाद आपको जोन के एज पे रह के खेलना है, एज मीन्स सर्कल जहाँ बना है ना वाइट वाली लाइन, वहीं पे रह के खेलना है, वाइट वाली लाइन के आसपास ही रहना है, ठीक है। वहाँ पे रह के खेलोगे तुम्हारे पीछे से कोई बंदा आके मार नहीं पाएगा एंड तुम सामने वाले बंदे को निपटा दोगे जो भी आएगा वो, ठीक है, ये चीज़ हो गया। एंड हाँ, जोन को कवर कैसे करना है अगर आप जोन टू जोन खेल रहे हो, तो यार देखो जैसे ही जोन श्रिंक हो ना, जो ब्लू जोन आता है याद करो, जिसमें श्रिंक होता है ब्लू जोन आता है, ऐसे ही इकट्ठा होता है जिसमें आपको ब्लू जोन के पार में डैमेज पड़ता है, तो ब्लू जोन के साथ साथ जाने का ट्राई करोगे ना तो जोन को बहुत ही आसानी जल्दी से एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम के तुम लोग फटाक से जोन को कवर भी कर लोगे। सो गाइस जो टिप अभी तक मैं बता रहा हूँ अगर इनको इतना फॉलो कर लोगे ना तो तुम लास्ट जोन की फाइट तक पहुँच ही जाओगे। एंड लास्ट जोन की फाइट मतलब लास्ट जोन जैसे ही बन जाए ना, तुमको एक ही चीज़ पे देखना है, ध्यान देना है, वो है आपका अलाइव। अलाइव अगर टॉप 10 के अंदर हो आप, तब आप एकदम विदाउट डरे तुम रश करके मार सकते हो बंदे पे। लेकिन अगर हार्ड लॉबी आई है एंड जोन में काफ़ी ज़्यादा बंदे अलाइव हैं, तो ऐसे में आपका पेशेंस ही आपको बचा सकता है। जी हाँ, देखो यार पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट जोन की फाइट्स में। एंड अगर हार्ड लॉबी आई है तो भाई एकदम सर्वाइव मार दो, तुम लास्ट जोन में फुल सर्वाइव मार दो, जितना अभी बताया वो सब करो एंड लास्ट जोन में सर्वाइव मार दो एंड उसके बाद भाई थोड़ा मोड़ा किल करके निकाल लो, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई हार्ड लॉबी है, तुम्हारा माइनस लगने का चांस ना 90% हो जाते हैं एंड ऐसे में तुम अपने 90% को 20% कर लो तो ज़्यादा ही बेहतर है। तो इसलिए अगर हार्ड लॉबी आई है, सोलो डुओ या फिर हो स्क्वाड, तो भाई लास्ट जोन में सर्वाइव मार लो, एज टू एज खेलो एकदम, ठीक है। एंड अगर हार्ड लॉबी नहीं आई है तो लास्ट जोन में भाई अगर तुम्हारा टॉप
टू, टॉप थ्री, टॉप फाइव, टॉप टेन हो गया है तो रश करके मार दो। एंड रश करके मारने से तुम्हारा किल निकल जाएगा। एंड अगर भूया भी नहीं लगता है ना तो तुम्हारा फुल प्लस जाएगा, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। एंड यहीं पर मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। बस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये ट्रिक आपको दोस्तों को भी पता होना चाहिए यार। मतलब अपने दोस्त को भाई नहीं मानते, भाई को दोस्त नहीं कहते हो क्या? बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस। बट हाँ, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वरना बाद में भूल जाओगे मेरे को एंड तुम लोग बोलोगे भाई क्या वीडियो बनाया था उसने। ठीक है, तो बस सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, हैशटैग UFF आर्मी।